हम किसान भाई कभी सरकार मारती है और कभी भगवान मारता है। तुम्हें तो महीने में तनख्वाह मिलती है, तुम में बात आ रही है। तो भाई देख, हमें महीना में तनख्वाह मिली है तो सर्दी गर्मी वर्षा हम है जीरो माइनस जीरो से भी नीचे जो पारा होता है ना उसे सहन करते हैं, और तुम तो सारी रात भर खर्राटे मारो। अच्छा? कभी हुक्का पियो, कभी बीड़ी पियो, कभी चिलम पियो, उधर चल रही खींच के। हम तो बेचारे जैसे तैसे अपने बालक बच्चे ने छोड़ के पड़े रहे। अच्छा, लेकिन बगैर फौजी के, हाँ बगैर फौजी के ये देश सुरक्षित नहीं रह सकता। अच्छा, इसलिए फौजी का कद ज्यादा होता है। ए फौजी भाई, संसार के सभी किसान अन्न उगाना बंद कर दें तो पूरा देश भूखा मर जाएगा। मतलब बहस करना चाहता है? बिल्कुल, डंके की चोट पे। अच्छा हाँ, चल तू कह अपनी बात, आज जवाब दूंगा तेरा। सुनिए, हम देश के वीर किसान खेत में, ओ फौजी भाई तुम्हें तो गाना भी आता है। हमें गाना भी आता है और जब कभी पाकिस्तानी अटैक करते हैं तो हमें बजाना भी आता है, कूटते। अच्छा? भी बहुत अच्छे ढंग से। हम देश के वीर किसान खेत में, अरे हम दिन रात कमावे से, और सीमा पे तैनात सिपाही हम देश की सेवा ठावे से। देश के वीर किसान खेत में, हम दिन रात कमावे से, ड्यूटी पे तैनात सिपाही देश की सेवा ठावे से, भाई ड्यूटी पे तैनात सिपाही देश की सेवा ठावे से। ईमानदारी से बताना किसान। हाँ, ईमान धर्म से कहिए। तुझे अपनी माँ की सौगंध है? अच्छा, तुझे अपनी उसकी सौगंध है? किसकी? समझ गया मैं, बालका की माँ। तेने ईमान धर्म से आज तक कभी हल जोत्या है? मैंने ट्रैक्टर चलाया है। अच्छा, हाँ। हल तो नहीं जोत्या? जोता है वो हल है। तूने हल नहीं जोत्या, इन बुजुर्गों ने जोत्या था। तुझे तो ये भी नहीं पता कि जुआ कैसे धरा जाएगा बैल के ऊपर। मैंने ट्रैक्टर चलाया है, सारी सारी रात निकल जाती है। अरे सुन, तू चार बजे मान ले उठ के दो घंटे हल भी चला लिया ना, तो बीच में कई कई हुक्का की चिलम पीवे, कई कई हो, और नेक सी बोहरिया लेट है जाना कले में नुका, जल्दी ना आई सांटो दूंगा। लेकिन हमारी छाती देख, हम क्या करते हैं, तेरी बात का जवाब दूंगा, ठोक के कहे अपनी बात। जवान देश की, हम वीर जवान देश की, दिन रात करे रखवाली, और एक मिनट ना रहते थाली, ओ एक मिनट ना रहते थाली, इष्ट खेत में ठावे से, और देश की सेवा में हम भी आराम घड़ी न चाहवे से, देश के वीर किसान खेत में, हम दिन रात कमावे से।
सिपाही देश की सेवा था वैसे भाई ड्यूटी पे तैनात सिपाही देश की सेवा था वैसे बहुत अच्छे आते हैं। अच्छा, और हम तुझे पता है अभी सियाचिन में एक जवान मरा, कई दिन बेचारा बर्फ में दबा रहा। हाँ, है? मालूम है। और तुम्हारे यहां ज्यादातर जितने 70% आज के जो किसान हैं, शेर सिंह जी ध्यान देना, आज के जो हम तो कई कई दिन बर्फ में दबे रहे हैं, तब तू हमारी बात नहीं मान रहा। अच्छा, और तुम्हारे तनक जुखाम भी है जाना, ये वीर सिंह है, 2-3 बीघे जमीन वा में खेत वेत में करे, बोरिया कर ले बेचारे, त्यारे तनक जुखाम भी है गो ना, जो का मर गो, मर गो, लियो वा में तो रमकी निकार के लावा में ते दे दो दो घूंट, जुखाम है रो, और हम देख, इतनी इतनी बर्फ में गढ़े रहते हैं, लेकिन फिर भी देश की सेवा करते हैं। फाजी भाई, हम किसान, रम नहीं मिलती है, देसी से काम निकालते हैं, रम तो तुम्हें मिलती है। दुश्मन की निगरानी में हम सारी रात बतावे से, देश के वीर जवान खेत में हम दिन रात कमावे से, अरे ड्यूटी पे तैनात सिपाही देश की सेवा ठावे से। के सूट पहनती हैं, कई कई तरह की साड़ी बदलती हैं, और कुछ तो फौजन ऐसी हैं जो आंखों से ऊपर आउट वाले होते हैं, उन्हें खड़वा देती हैं। क्यों भाई वीर सिंह, तू फौजी है या किसान है? किसान है, है? किसान है ये। फौजी तो गुड्डू है जी। या मेरे वहां तक की पतंजों का हाल धोखे की है। वाई की मेहरबानी है, ऐसा लगेगी गाते गाते वाई की मेहरबानी है। एक बात ऐसी है भाई, हम दिन रात मेहनत करें। अच्छा, और ये तो आदमी में हुनर होना चाहिए, अपनी घरवाली को अच्छे कपड़े पहनाने भी चाहिए। हाँ। अच्छा सामान भी दिलाना चाहिए। अच्छा, ठीक है, उसका हाथ बटाना चाहिए काम में। तुम्हारी ओरिजिनलिटी बताऊं तो ये पब्लिक जो कहेगी जो कहे बताओ तुम्हारी ओरिजिनलिटी। अभी कह रहा था कि हमें तो रम नहीं मिलती, किसान तो देसी देसी काम निकाल रहे हैं। तुम तो देसी पी के सिर्फ बालक बनाने के मतलब के, और तो तुमको जानते ही नहीं भैंस के भैया हो पूरी। ए फाजी भाई, हाँ, बालक बनाने जानते हैं, सुन। सारे फाजी भाई सुने, वो तुम भी सुने, जितने फाजी भाई हैं आराम से। हाँ, हमारा योगदान होता है। अच्छा, हाँ। हाँ, ये समझदार है। हम अन्नियों
ड्यूटी दे बॉर्डर पे, हमें ड्यूटी दे बॉर्डर पे, भाई पहन के खाकी वर्दी। अच्छा, भाई काम करन की फिकर में हम, काम करन की फिकर में हम, लाते धो में से पर करके नींद हराम हर घड़ी, वतन की लाज बचावे से। अरे देश के वीर किसान खेत में रहम तेरा कमावे से, भाई ड्यूटी पे तैनात सिपाही देश की सेवा ठावे से। बदनामी नहीं करेगा फौजियों की। अच्छा, और नहीं तो मैं थारी ऐसी पोल खोल दूंगा, ऐसी पोल खोल दूंगा दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं। खोल दे। ये वीर सिंह है ना, ये हारमोनियम बजा रहा है। हाँ। ये दो तीन कीलान की जमींदारी करे। बिल्कुल। और जमींदारी का करे, जमींदारी तो सब ट्रैक्टर ते ही हो, बस घर के अंत बहानो ले रखे हो कि भाई कभी तो के मेरे पथरी को दर्द है, कभी कछु कभी कछु। अरे यू ब्याहो भी तेरे बुलंद शहर की तरफ है, इत के हाँ जेवर के पास है। ये दोनों बेचारे इत के चले गए। ये सच घटना है जो आपको बता रहा हूँ। बताऊँ? बताओ बताओ। ये लोग बाग यूं कहेंगे, पर चलो सुन लो सच घटना क्या है। हाँ। एक बार जब ये छोरा को ब्याह हो। हाँ। बहुत आलिए तो थोड़े माइक ते अलग बात कर लियो ना मुझे। जब शादी हुई, अब भाई बोहरिया जमुना पार की मिले तो वो तो तेज तर्रार बहुत रहे। क्यों भाई डागर साहब? तेज तर्रार बहुत रहे। हमारे फूफा ही तो कहा मेरे ब्याह हो बेचारे, सीधी शादी। लेकिन जमुना पार की कोई मिल जाए तो बहुत तेज तर्रार हैं। बाबा ने यूं कही, छोरा जो तेरे बोहरिया आई है ना, ये तो बड़ी तेज है। अब छोरा के इतने में ही बहम घुस गो, उनकी रे कोई गड़बड़ है। अब छोरा जानो इंटरव्यू देने चंडीगढ़। इंटरव्यू अब पहले तो कई दिन लगे, अब तो जल्दी पल्दी काम है ले। पर ब्याह में एक मिक्सी मिली। छोरा अब टेलीफोन को जमानो तो चली गयो। छोरा हुई बहम करे, बाबा जो करो तेरी छोर बोहरिया तो कच ऐसी आई तेज है। हाँ, जैसे ही चंडीगढ़ पहुंचो और वाने एकदम बाबा की ध्यान आई, घरवाली तो फोन मिलाए जो भाई हाँ कहा है। जो कह जी घर हूं। एकदम तक जोश में भर के बोले जो, बोलो अगर घर है तो वह मिक्सी चला के दिखा। अब बोहरिया ने दाबे बटन, मिक्सी ने डागर साहब वहां ते मिली चोला स्टेशन ते मिक्सी। मिक्सी चला के दिखा दी, छोरा के तसल्ली है कि हाँ है तो घरी। दूसरे दिन फिर ध्यान आयो, चंडीगढ़ में फंस रहो बिचारो, इंटरव्यू देने के गयो, वहां ने फिर फोन करो। यू बोले हाँ भाई कहाँ है? यू कह जी कहाँ होती, बस खेत पे तनियार लेकर आई हूँ, अब तो घर ही हूँ। बोले घर है तो मिक्सी चला के दिखा। फिर बोरिया ने बटन दाबे, फिर मिक्सी ने यू कर दी, भाई है तो घरी, दिल तसल्ली हैगी। फिर अगले दिन जब वहां तक चंडीगढ़ तक चलो, फिर फोन मिला दियो, उनकी कहाँ है कि अब हाल निहार लेकर आई हूं और घर ही हूं। बोले मिक्सी चला के दिखा। फिर बटन दाबे, फिर मिक्सी चला दी। अगले दिन जब इंटरव्यू दे के आयो तो छोरा बैठे हो दरवाजे पे, वन कही रे तेरी माँ कहाँ है? यूं कह रहे बाप सच्चाई बताऊं कि झूठ बोलूं, कि सही बता तेरी माँ कहाँ है? एक जादना ते तू गयो, वही दिना ते मिक्सी लेके गई है, पतो ना जन कहाँ ढो। वो फौजन थी, फौजन किसानी नहीं जा सकती। अच्छा साथियों, बिल्कुल नहीं। हाँ। वो फौजन थी। जवान देश का, लड़ते लड़ते मर जाता, सैन थी किसान देश की, बेटा मैं अन्य का।
जवान देश का रे वीर जवान देश का लड़ते लड़ते मिट जाता जय जवान और जय किसान का ओ जय जवानी और जय किसान का ऋषि पाल गुण गावे से और लाल किले पे आजादी का लाल किले पे आजादी का ध्वजा रोज लहरावे से देश के वीर किसान खेत में और हम दिन रात कमावे से और ड्यूटी पे तैनात सिपाही देश की सेवा ठावे से भाई ड्यूटी पे तैनात सिपाही देश की सेवा ठावे से